हाय फ्रेंड्स, सुरित राज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपका व्हाट्सअप को बैन हो गया है या बैन व्हाट्सअप कर दिया है तो इसे आप अनबैन कैसे कर सकते हो, अपने व्हाट्सअप को कैसे खोल सकते हो, इसका मैं पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले अपने चैनल पर आते हैं। चैनल पर आने के बाद आपको इसका पूरा ट्रिक बता देते हैं। देखिए, जैसा कि मैं अपने चैनल पर आ चुका हूँ, चैनल पर आने के बाद आपको करना क्या होता है, सबसे पहले एक लाइक का बटन मिलता है, इसे लाइक करना होता है। नीचे एक सब्सक्राइब लाल कलर होता है, सब्सक्राइब करना होता है। ये दो काम आपको करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बाद करना क्या होता है अगर आपका व्हाट्सअप बैन हो जाता है। तो पहला मैं ये बताऊँगा व्हाट्सअप आखिर बैन क्यों करता है, व्हाट्सअप आपको बैन क्यों करता है। इसके लिए आपको इसलिए बैन करता है, अगर आप गूगल के थ्रू किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो और उससे ज्वाइन करते हो तो ये व्हाट्सएप को लगता है कि ये गलत एक्टिविटी कर रहा है और इसका व्हाट्सएप को बंद कर देता है। तो अगर आप ऐसा करते हो वो मत कीजिए, जिससे कि आपका व्हाट्सएप बैन होने से बच जाए। तो आपको तो ये अब ये करना है कि अगर व्हाट्सएप का बैन हो गया तो इसे बचाना कैसे है। तब करना क्या है, गूगल पे सबसे पहले आपको जाना है। जैसे कि मैं गूगल पे जा चुका हूँ, गूगल पे जाने के बाद आपको करना क्या है, लिखना है support@whatsapp.com। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं support@whatsapp.com आपको ये लिखना है। इसके बाद ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, तो इस पर को क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर लिया, देख सकते हैं ये क्लिक हो गया। एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है, अब इसमें देख सकते हैं नया इंटरफेस है। इसमें अगर आपको लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश समझ में आ रहा, तो आप लैंग्वेज से चेंज कर सकते हैं यहाँ से और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इंग्लिश ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही करूँगा। आप चाहें तो यहाँ से थ्री डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ से लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये ओपन कर लिया। इसके बाद करना क्या है, यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, इसके बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन आया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है। जो व्हाट्सअप नंबर आपका बैन हो चुका है वो व्हाट्सअप नंबर डालना है। और कोड अगर आप इंडिया के तो इंडिया 91 रहेगा, अगर ये आप दूसरे कंट्री से देख रहे हैं इसे तो ये चेंज कर लीजिएगा, अपने कंट्री कोड डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं एक व्हाट्सअप नंबर या कोई भी एक दिखा आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं नंबर डाल दिया, इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस आपको डालना होता है। आप ईमेल एड्रेस एक डाल दीजिएगा कुछ भी, मैं ऑप्शन एक दिखा दे रहा हूँ, ये आपको डाल देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख रहा है हाउ टू यूज व्हाट्सअप। आप व्हाट्सअप किस में यूज करते हो, तो यहाँ पे एंड्रॉयड में आप यूज कर रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो तो एंड्रॉयड में यूज करो, एंड्रॉयड पे ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ लिख रहा है, इसमें सबसे मेन चीज़ है यहाँ एक्सप्लेन करने आपको बोल रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज जो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, देखिए मैंने डाल दिया, क्या लिखा हुआ है, हेलो व्हाट्सअप टीम, डियर सर माई व्हाट्सअप अकाउंट वॉज बैंड, प्लीज री ओपन माई व्हाट्सअप नंबर, इज वेरी अर्जेंट वर्क सम इम्पोर्टेंट मैसेज, प्लीज ओपन माई व्हाट्सअप नंबर, थैंक यू सर। और नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर वही डाल दीजिएगा जो आपका बैन हो चुका है, जो ओपन नहीं हो रहा है, इतना आपको करना है। और यहाँ पे सेंड क्वेश्चन में यहाँ पे डाल देना है, आपको इतना काम करना है। इसके बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आपका व्हाट्सअप जो भी बैन हुआ होगा वो ओपन कर देगा व्हाट्सअप, और आपका ये वो व्हाट्सअप चलने लगेगा। आप लॉगिन वहाँ से कीजिएगा तो लॉगिन वहाँ से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।